हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो में जो बात करूंगा वो ट्रांसलेशन अनुवादन के बारे में बात करूंगा। अनुवादन की वीडियो नंबर 2 है ये। अनुवादन के बारे में हमारी बात चल रही थी, इससे पहले भी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में अनुवादन की कुछ आपको सामान्य जानकारी दी। आज थोड़ा हम उस जानकारी के बारे में आगे बढ़ाते हुए थोड़े विस्तृत रूप में जानकारी देनी है कि अनुवादन की प्रक्रिया है वो 3 स्टेप्स में बताए। 3 स्टेप्स में अनुवादन की प्रक्रिया को समझाया था, आज हम उसमें से 2 स्टेप्स के बारे में बात करें। पहली स्टेप थी इसमें अमीनो अम्लों का सक्रिय एक्टिवेशन। दूसरी स्टेप थी अमीनो अम्लों का टीआरएनए पर स्थानांतरण। अमीनो अम्लों का टीआरएनए पर स्थानांतरण। तीसरी स्टेप थी इसकी आपकी अनुवादन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना। अनुवादन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना। आज तो मैं लिए इस वीडियो में बात करूंगा कुछ फ्रेंड्स पहले करेंगे। इसके अलावा जो बाकी बातें हैं वो हम मेरे लास्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको केवल इन दो बातों के बारे में धीरे धीरे अच्छे से आपको समझने को मिलेगा। स्टूडेंट, तो अपना जो फर्स्ट एडिट है अमीनो अम्लों का सक्रियकरण। अमीनो अम्लों का सक्रियकरण किस प्रकार से होता है? अमीनो अम्लों के सक्रियकरण के लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपको, अमीनो अम्ल यानी ए अमीनो अम्ल प्लस एटीपी प्लस ईआई यानी एंजाइम। इसका एक संकुल बनता है AMP EI प्लस PP फॉस्फेट और ये अमीनो एसिड AMP। स्टूडेंट्स, ये एक जो रिएक्शन लिखी है मैंने, इस रिएक्शन से आपको ये समझ में आ रहा है कि अमीनो अम्लों के साथ में जब एटीपी एनर्जी का मॉलिक्यूल साथ में एंजाइम मिलता है तो ये संकुल बनता है जिस संकुल का नाम है अमीनो एसिड AMP और साथ में क्या निकल जाती है, 2 फॉस्फेट के मोनो मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। इस प्रकार से अमीनो अम्लों का क्या होता है, सक्रियकरण। अब मैं कुछ बात करूंगा। सबसे पहले चूहे की यकृत कोशिकाओं पर अध्ययन किया करते हुए पी जेमेनिक वे उनके साथियों ने पाया कि
पाया कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है या मिलते हैं। इनका सक्रियकरण, इनका एक्टिवेशन या सक्रियकरण आपके एटीपी के द्वारा, एटीपी के द्वारा होता है, जो अमीनो एसिड्स के साथ मिलकर अमीनो एसाइड, अमीनो एसाइड एडिटेड एडिटेड बनाते हैं। यह प्रक्रिया एक उत्प्रेरक स्टूडेंट से एक बार इस आपको सुन लें। सबसे पहले ये बात होती किसने, तो पी जेमिनी ने, एक वैज्ञानिक के रूप में पी जेमिनी ने एवं उनके साथियों ने चुने की जरूरत कोशिकाओं में यह देखा कि अमीनो जो अम्ल है वो निष्क्रिय अवस्था में बड़े हुए रहते हैं और ये जो अमीनो अम्ल है इनको जैसे एटीपी मिलती है तो ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और अमीनो एसाइल एडिनिलेटेड बनाते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो निष्क्रिय, मतलब एक तरह से अमीनो एसिड जो बनता है को भी हम आगे करेंगे। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल तथा एटीपी उत्प्रेरक एक एंजाइम, उत्प्रेरक वह एंजाइम, एंजाइम एमिनो, अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, सिंथेटेज है जो अमीनो अम्लों, जो अमीनो अम्लों के सक्रियकरण में आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं। स्टूडेंट्स ये बात है कि अमीनो अम्ल और एटीपी है वो उत्प्रेरक और एंजाइम जो प्रस्तुति क्या होते हैं, एक तरह से एक एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज की प्रेजेंस में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं और प्रत्येक अम्ल अमीनो अम्ल के सक्रियकरण के लिए विशिष्ट प्रकार की किसकी जरूरत होती है, आपके विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की
नंबर 14 है। इसके बाद में जो बात करूंगा वो बात करेंगे कि इसमें मुख्य दो पॉइंट है। पहला पॉइंट विशिष्ट विकार, विशिष्ट विकार का अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल तथा दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, यानी एक तो विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, दूसरी बात है विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के ही टीआरएनए का चयन कर रहा है। कहने का मतलब ये होगा विशिष्ट प्रकार का अमीनो अम्ल होगा, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होंगे और विशिष्ट प्रकार के टीआरएनए का क्या करेगा, चयन करेगा। और इसके अलावा होता क्या है, चयन करने के पश्चात ये एंजाइम अमीनो अम्ल को टीआरएनए के आखिरी एंजाइम समूह पर स्थानांतरित कर देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। अमीनो अम्ल के सक्रियकरण के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम विशिष्ट प्रकार का टी आर एन ए पर ये क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और ये रिएक्शन है अमीनो अम्ल एटीपी एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो एसिड एटीपी बनता है और फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी अमीनो अम्ल का क्या होगा, सक्रियकरण होता है। सीधे से शब्दों में एंजाइम्स और एटीपी की उपस्थिति में अमीनो अम्ल का क्या होता है, सक्रियकरण होता है। पहले ये कैसे होते थे, निष्क्रिय अवस्था में, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, सक्रिय। आशा करता हूँ आपको अमीनो अम्ल का सक्रियकरण समझ आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमीनो अम्लों का टीआरएनए पर इसका नाम ना। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इस मेरे वीडियो को कल आपके सामने लेके आऊँगा। स्टूडेंट आज के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।